ज्वाइन अवर पोर्टल। अच्छा जी, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो रिवील प्रेफरेंस का, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि रिवील प्रेफरेंस से डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व नॉर्मल गुड्स की किस तरह से करेंगे, यानी कि डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व नॉर्मल गुड्स के साथ हम ड्राइव कैसे करेंगे डिमांड कर्व। ये टू पैनल्स डायग्राम होगी, फर्स्ट ये, यानी यहां पे अगर आप देखें यानी ये x है और ये क्या है y, ये x क्वांटिटी, यानी यहां पे x1 आप परचेज कर रहे हैं। अब ये हुआ कि अगर x की प्राइस क्या होगी, कम होगी, यानी x की प्राइस कम हुई आपका बजट जो है वो x के लिहाज से क्या हो गया, बढ़ गया, यानी आप इस जगह पे आ गए। ये x3 E3 के साथ अगर कहेंगे यहां पर, ठीक है, यानी इस प्राइस पे आपने क्या किया P1 पॉइंट। अब ये होता है कि अभी जो मैंने कहा कि अगर आप X1 परचेज कर रहे हैं क्वालिटी, X की प्राइस कम हुई तो आपने अपने बजट को बढ़ा के यहां पे लेके आ गए। अब क्या होता है कि बजट जो एक्चुअली इंक्रीज होता है ना, वो होता नहीं, मतलब क्या कहने का, यानी अगर आप कहते हैं कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज करती है ना, तो इनकम इंक्रीज करने से उसके साथ क्या हो जाएगा, महंगाई भी इंक्रीज होगी, यानी कि इनकम का फैक्ट जो है ना वो आपका हुआ नहीं बेसिकली। तो मतलब ये आप कह सकते हैं किसी से पैसे किसी को दिए फिर उससे वापस ले लिए, यानी कि आप उसी तरह स्टेबल पोजिशन में आ गए, तो उस वक्त क्या होगा कि आपका ये कर्व जो है ना, जो ई3 आपने बनाया, आप इसको शिफ्ट करेंगे, एक नया कर्व बनाएंगे, यानी नया बजट बनाएंगे, ठीक है, वो आपका इसके पैरेलल आ जाएगा, यानी ये जो लाइन आपने ड्रा की है इसके पैरेलल एक नया बजट बनेगा जिसको आप अरेंज करेंगे इसके मुताबिक x3 कर लें या x2 कर लें, x2 और ये x3, यानी पहले आपका बजट ये बन गया, यानी प्राइस कम हुई थी तो उसके बाद फिर आप इसके मुताबिक अरेंज करेंगे, ये पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे तो आपके पास एक कर्व बनेगा जिसको हम डिमांड कर्व बना देते हैं, यानी ये आपके पास क्या डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद नॉर्मल गुड्स के लिहाज से, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना सेकंड वन में अगर आप देखें, यानी ये आपके पास डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व वो नॉर्मल गुड्स है, इसके बाद हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व ऑफ गिवन गुड्स, क्योंकि नॉर्मल गुड्स के डिमांड कर्व का डेरिवेशन कर्व है वो क्या है, नेगेटिव स्लोप में है, और अगर गिवन गुड्स के बात अगर गिवन गुड्स की बात करते हैं तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। अब उसको अगर डिस्कस करें तो डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व ऑफ गिवन गुड्स, अब सबसे पहले जो गिवन गुड्स क्या होती है, ऐसी एशिया यानी पेरिशेबल्स की होती है जो जल्द जाया होने वाली हो, या आप इसको ये कह सकते हैं गिवन गुड्स का जो रिलेशन होता है प्राइस के साथ वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। अब ये भी जो है ना टू पैनल डायग्राम के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे, तो इसमें देखें फर्स्ट ये आपके पास एक्स कमोडिटी, ये आपके पास वाई कमोडिटी, आप यहां पर परचेज कर रहे हैं, ये एक्स गिवन गुड्स है, आप यहां पे एक्स वन परचेज कर रहे हैं एक्स वन, तो ये आपके पास क्या है ई वन। अब क्या होता है कि एक्स की प्राइस कम हो जाती है, प्राइस कम होने से आपका बजट जो है ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया, यहां पे ये आपका शिफ्ट हो गया यहां से यहां। अब गिवन गुड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गिवन गुड्स का रिलेशन किसके साथ होता है, प्राइस के साथ, और ये क्या होता है पॉजिटिव, यानी इसकी प्राइस कम होने से डिमांड भी कम होगी, प्राइस ज्यादा होने से डिमांड भी ज्यादा होगी, तो आप क्या करेंगे इसको अपवर्ड शिफ्ट करेंगे, यानी कि आपकी जो मूवमेंट यहां पे हुई है ये यहां पे होने की बजाय इस जगह पे आ जाएगी, ठीक है, तो आप यहां पे प्राइस एक्स टू को क्या करेंगे, परचेज करेंगे।
अब उसके बाद एक इफेक्ट जो मैंने आपको बताया था कि जिसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का नाम देते हैं, एक्चुअली जो प्राइस में कमी आती है वो होती नहीं है। तो यानी जो चीज आप किसी को दे उसे वापस ले रहे हैं जिसका इफेक्ट कोई नहीं होता, तो फिर एक नया बजट आप इसके अंदर जो है ना वो लाएंगे, जो कि ये क्या आ जाएगा X3। अब ये X2 X3, ये पॉइंट फर्स्ट आपके पास। उसके बाद सेकंड, जब आप एक्स की प्राइस कम होने से आप स्पीड एयर फोर्स की तरफ बढ़ेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा और ये आपका पॉजिटिव डिमांड कर्व शो करेगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि जो गिवन गुड्स का रिलेशन होता है प्राइस के साथ वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस डायग्राम के बाद इसका सिर्फ क्रिटिसिज्म है, जो क्रिटिसाइज करने के बाद वो 3-4 लाइनों में है, तो उसके बाद आपकी क्वेश्चन भी हो जाइएगा कम्प्लीट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल नाम क्या है? बड़ा मेहरबानी, तो सही प्यार करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो।